आपको दिखलाते हैं यहाँ का, कितना जबरदस्त नजारा, कितनी भौकाली यहाँ पे आपको दिखलाते हैं। सामने आप जो चौराहा देख रहे हैं, आ गया है धर्मवीर मार्ग और यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है पूरे मेले की। तो चलिए अब हम चलने पहुंचने वाले हैं धर्मवीर मार्ग के पास और देख सकते हैं मेला कितने जबरदस्त तरीके से लगा, कितने जबरदस्त तरीके से हो रहा है एकदम। तो डीजे की लाइट लग रहा कट गई है क्या, इंडिया नाम की लाइट कट गई है लग रहा है, ये भी क्या है, इसका नाम भी इंडिया से बदल के भारत करना होगा, इसीलिए इसकी भी लाइट कट गई है। देख सकते हैं जैसे हमने भारत देश के नाम लिया इसकी लाइट चालू हो गई। और दोस्तों इसके बाद बहुत ही खूबसूरत झांकी होने वाली राधिका रानी और हमारे कृष्ण भगवान की, कान्हा बरसाने में आए जय यो बुलाए गई राधा प्यारी। और चलिए आपको शुरू करते हैं और देखिए आप भी लीजिए इस शानदार झांकी को देखिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। और भाई इस बार मेला काफी देर तक चला, लगभग सुबह 5:30 बजे तक ये मेला चला है, बहुत ही धूमधाम से मेला मनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेले में कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, इतना तगड़ा प्रशासन था और लोगों ने बहुत सहयोग किया, इतना अच्छा से मेला गुजर गया, क्या ही बताएं कितने। राधा कृष्ण झांकी देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमने देखा एक दुकान में, देख सकते हैं ये महिला कैसे अपने हाथों में टैटू बनवा रही है। और भाई लोग सच्ची बता रहे हैं इसमें बनवाने में इतना ज़्यादा दर्द होता है आप सोच भी नहीं सकते, सबको लगता है बड़ा आसान है बस हाथ आगे करो वो गोद देता है, लेकिन बता रहे भाई बहुत दर्द होता है इसको हाथ में बनवाए, अच्छे अच्छे रो मारते हैं इसको बनवाने अपने हाथ में। और हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं धर्मवीर मार्ग। और दोस्तों फाइनली हम लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंच चुके हैं भीड़ भाड़ के बीच में धर्मवीर मार्ग के पास और देख सकते हैं यहाँ कितनी ज्यादा इस समय भीड़ है, हद से ज्यादा यहाँ क्राउड है। और जैसा हमने बताया था सबसे ज्यादा भीड़ होती है मेले की और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा भीड़ है और सबसे खूबसूरत जितने भी झांकियाँ होती हैं यहाँ पूरा प्रदर्शन दिखलाती है। और अभी अपने सामने आप देख रहे हैं माँ महाकाली माता की, आप अपने सामने झांकी देख रहे हैं तो बोलिए जय माँ महाकाली। दोस्तों यहाँ प्रोग्राम होता रहता है चौकी पे और इधर पे एप्रो डीजे और कंचन डीजे आपस में एक डीजे कंपटीशन कर लेते हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है, हर कोई कंपटीशन देखता है और यहाँ पे हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सब वहाँ उसको छोड़ के कंपटीशन ही देखने आ जाते हैं। और आपको पता है जब कंपटीशन होता है लोगों की नेशनल भीड़ हद से ज़्यादा हो जाती है और यहाँ मेले में इस बार ऐसा हुआ था कि भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी। और दोस्तों दोनों ही डीजे एक से बढ़कर एक थे, एप्रो डीजे तो गजब ही का था यार, लेकिन सबसे तगड़ा डीजे भाई बता रहा हूँ भारत डीजे लाइटिंग था, बहुत ज़बरदस्त डीजे था। अपने सामने जो डीजे आपका एप्रो डीजे है और बहुत ही ज़बरदस्त दोनों की लाइटिंग और दोनों का साउंड एकदम ज़बरदस्त था, दोनों के साउंड क्वालिटी एक नंबर थी यार, गजब का मज़ा ही आ गया था। और सही बता रहे भाई लोग 2022 से प्रयागराज के जो डीजे कंपटीशन हो गया हद से ज़्यादा हो गया, एक से बढ़कर एक डीजे क्वालिटी अब यहाँ देखने मिलने लगी है और इतने ज़बरदस्त डीजे रहते हैं कि आप कान ये पर्दे फाड़ दें लेकिन यार मज़ा आ जाता है सुन के। और सबसे बताना अगर आप भी मेला गए थे तो आपको कौन सा डीजे तगड़ा, एप्रो डीजे, कंचन डीजे, जीएस लाइटिंग, भारत वाला, इंडियन डीजे और बताइए ऐसे बहुत सारे डीजे, तो आपको कौन सा सब तगड़ा लगा आप कमेंट जरूर बताएं।